जय हिंद दोस्तों, इस सवाल को जरा ध्यान से देखिएगा। और ये वाला जो सवाल पूछा गया है, इस बार जो 2024 में यूपीएससी का जो मेंस एग्जाम हुआ है उसके जीएस में जीएस वन में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अभी जो हम वीडियो डिस्कस कर रहे हैं, डेली वन मेंस आंसर राइटिंग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। आप लोगों को पता है कि यूपीएससी में जो मेंस का एग्जाम होता है वो चार तरीके के जीएस पेपर होते हैं, दो लैंग्वेज के पेपर होते हैं और आपको एक ऐसे का पेपर देखने को मिल जाएगा और दो ऑप्शनल के पेपर देखने को मिल जाएंगे। तो यूपीएससी के मेन से पहले होता है प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में आपको दो पेपर देखने को मिलेगा, एक होगा जीएस का और दूसरा होता है सीसेट का। जब आप प्रीलिम्स क्लियर करके आते हैं तब आप मेन्स के एग्जाम में बैठते हैं और मेन्स एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आप इंटरव्यू में जाके बैठते हैं। तो अगर हम यूपीएससी के एग्जाम की बात करते हैं तो उसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है मेन्स का, क्योंकि यही क्वालिफाई करना सबके लिए क्या होता है, टफ होता है। आज के टाइम पे यूपीएससी अब सीसेट भी टफ पूछने लगी है, तो जीएस तो बहुत से कैंडिडेट क्लियर कर लेते हैं बट सीसेट को इग्नोर कर देते हैं या ज्यादा सीरियस ना लेने की वजह से वो सीसेट में रह जाते हैं। तो आज के टाइम पे अगर आप प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको सीसेट और जीएस दोनों मतलब दोनों को साथ में लेकर के चलना है, इग्नोर किसी भी चीज को नहीं करना है। और आप जो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो ज्यादा फोकस आपको मेंस पे होना चाहिए, यानी कि आपकी प्रिपरेशन ही मेंस के हिसाब से होनी चाहिए। जब आप मेंस की प्रिपरेशन करना मेंस के बेस को लेकर के चलते हैं ना, तो आपका साथ साथ में प्रीलिम्स का भी जो सिलेबस होता है वो कंप्लीट हो जाता है। तो आंसर राइटिंग उसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है कि आपके पास आंसर राइटिंग स्किल इस तरीके की डेवलप होनी चाहिए कि 5 लाख बच्चों में आपका आंसर इतना एट्रैक्टिव होना चाहिए कि मिनिमम टाइम पे, यानी कि जो हमारे पास एक लिमिटेड टाइम मिलता है 3 घंटे का, और इसमें क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, आपको लिखने भी आंसर ज़्यादा होते हैं, 150 वर्ड 250 वर्ड में लिखने होते हैं एक एक आंसर, जो 10 मार्क्स के 15 मार्क्स के होते हैं। तो जैसे जीएस एग्जांपल के तौर पे चलिए, अब समझने के लिए मान लीजिए इस बार मानना गया, इस बार जैसे आप देखिए कि जीएस वन में यूपीएससी ने 20 क्वेश्चन पूछे, जिसमें से 1 से 10 तक जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है 10 नंबर का, जो कि आपको 150 वर्ड में लिखना है। और वहीं पे 11 से लेकर के जो 20 नंबर तक जो क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने जीएस में, वो पूछा है 15 नंबर का और जिसमें लिखना है 250 वर्ड में। तो यानी कि आप ये समझ रहे हैं कि इतने वर्ड्स में आपको इतना एट्रैक्टिव आंसर लिखना है कि एग्जामिनर आपके आंसर को चेक करे। तो यही सबसे बड़ा डिफिकल्ट आता है। और आप इस डिफिकल्ट को कैसे दूर कर सॉल्व आउट कर सकते हो, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के से। तो जब आपकी प्रिपरेशन, जब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो लोग क्या, मेनली जो सीरियसली स्टूडेंट होते हैं वो अपने आंसर राइटिंग एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद से ही क्या करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। तो इसीलिए अब हम डेली क्या करते हैं, एक यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, जहां पे मैं यहां अपने कुछ पॉइंट्स लिखता हूं और बाकी आप लोगों को लगता है कि ये पॉइंट्स हो सकते हैं इस आंसर में, आप वो आंसर बिल्कुल पॉइंट्स में लिख सकते हैं। अगर आपको मेरे आंसर को मार्क्स देना है कि एज ए एग्जामिनर अगर आप मेरे आंसर को एवेल्युएट करते तो आप उसको कितने मार्क्स देते, क्या क्या पॉइंट्स उसमें मिसिंग है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं। इस तरीके से आपकी भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती रहेगी और इधर से हमारा आंसर राइटिंग डिस्कशन चलता रहेगा। ऑलरेडी हमने जीएस वन के 8 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, आज हम 9th क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें जो क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया है सोशल डेमोग्राफी से। सोशल डेमोग्राफी से आप किस तरीके से उसको रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इंटरकास्ट मैरिज को पूछा गया है और साथ साथ में आप इसको क्या देख सकते हो, आप इसको हिस्ट्री से भी रिलेट कर सकते हो कि किस टाइम पे कास्ट सिस्टम मैरिज हमें देखने को मिलता है, तो हिस्ट्री से भी रिलेट हो जाता है ये एक तरीके से। तो जो जीएस वन में क्वेश्चन पूछा जाता है वो मेनली हिस्ट्री से पूछा जाता है, आर्ट एंड कल्चर से पूछा जाता है, सोशल डेमोग्राफिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, जियोग्राफी से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जब आप बेसिक जो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है, बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए आप जब एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेते हो, तब आपको ये पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक से निकल करके आया है। आप सिलेबस एनालाइज कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज करने के बाद जब आप एनसीईआरटी कंप्लीट कर लोगे तब आप इजीली क्या कर सकते हो, स्टैंडर्ड बुक पे शिफ्ट हो सकते हो। प्रिपरेशन आपकी यहीं से स्टार्ट होती है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की। तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, उस पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। अगर आपको लगता है कि ये पॉइंट्स हो सकते हैं आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइए। तो क्वेश्चन बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है आपको, जो स्लाइड है जहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखे हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन है, इसी तरीके से हिंदी इंग्लिश दोनों में आंसर मिल जाएंगे। हिंदी इसलिए मेनली जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, इंग्लिश जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होते हैं।
क्वेश्चन पूछा गया है कि समान सामाजिक आर्थिक पक्ष वाली जो जातियों के बीच में जो अंतर जातीय विवाह कुछ हद तक आज के टाइम पे बढ़ी है, लेकिन जो अंतर धार्मिक विवाहों के बारे में यह कम सच है, इसके ऊपर आपको क्या करना था, डिस्कस करना था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन। तो यहाँ पे भी आपको क्या है, क्वेश्चन लिखा हुआ मिल जाएगा। इसका मेन रीजन क्या होता है, जब मैं आपको ये PDF के फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कराऊँ तो आपको क्वेश्चन ना ढूंढना पड़े कि ये आंसर किस क्वेश्चन का है। तो क्वेश्चन मैंने आपको क्वेश्चन पेपर में ही दिखा दिया था, यहाँ पे भी मिल जाएगा। तो देखिए, मैंने सबसे पहला पॉइंट लिखा था जो हमारे सामाजिक और आर्थिक समानता और अंतर जातीय विवाह पे। अगर हम इंटरकास्ट मैरिज की बात करते हैं, बिटवीन, वो आपको किस में देखने को मिलेगा, कास्ट के बीच में, वो भी तब आपको देखने को मिलेगा जब सामाजिक आर्थिक सिमिलर आपको स्टेटस इक्वल, मतलब सिमिलरली एक समान नजर आएगी। तो तब जाकर के आज के टाइम पे जो इंटरकास्ट मैरिज है वो आपको क्या नजर आएगी, कॉमन नजर आएगी। यानी कि जब आप ये समझिए, जब फैमिली कि जो डिफरेंट कास्ट है, यानी कि अलग अलग फैमिली जब डिफरेंट कास्ट से बिलोंग करती है, तो उसमें जो फाइनेंशियल स्टैंडिंग है वो इक्वल है, एजुकेशन लेवल इक्वल है और सोशल इन्फ्लुएंस इक्वल है, सिमिलर है, तब जाकर के जो एक्सेप्ट है इंटरकास्ट मैरिज को, उसको इजीली एक्सेप्ट कर लिया जाता है। यही चीज़ आपको यहाँ हिंदी में देखने को मिल जाएगा। देखिए, अगला पॉइंट की बात करते हैं। जो अगला पॉइंट है वो है सोशल एंड यानी कि कल्चर एंड सोशल सिमिलरिटीज, यानी कि सांस्कृतिक और सामाजिक समानताएं। कास्ट विद, अगर हम सिमिलर लाइफस्टाइल की बात करते हैं, ट्रेडिशंस, परंपरा की बात करते हैं, कस्टम स्टैंड्स, यानी कि जो रीति रिवाज हैं, अगर वो सिमिलर होते हैं तो जो इंटरकास्ट मैरिज होते हैं तो उसमें वो उसमें क्या है, ज़्यादा आपत्ति नहीं दिखाई जाती, उसको इजीली एक्सेप्ट कर लिया जाता है। और वो क्या करता है, जो सोशल फ्रिक्शन है, सोशल फ्रिक्शंस का मतलब है जो सामाजिक भेदभाव है उसको क्या करता है, कम करता है। तो जिसमें ऐसे विवाह को अधिक स्वीकार कर लिया जाता है कि हाँ, सोसाइटी के अंदर जो इंटरकास्ट मैरिज है वो उसको लोग सोसाइटी में इजीली एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। फिर अगला पॉइंट मैंने लिखा है, आज के टाइम पे जो इंटर रिलीजियस मैरिज आपको देखने को मिलेगा उसमें कुछ चैलेंजेस है। जैसे उसी के विपरीत देखते हैं, अगर ऑन द अदर हैंड की बात करते हैं, जो इंटर रिलीजियस मैरिज है वो आज के टाइम पे आपको बहुत ही कम सामान्य तौर पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें लोगों के जो रिलीजियस बिलीफ होते हैं वो अलग होते हैं, रीति रिवाज अलग होते हैं, तो जिसके वजह से इसमें क्या करते हैं कि जो इंटर रिलीजियस मैरिज है वो आपको क्या देखने को मिलेगा, कम देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो अलग रीति रिवाज है, अलग जो रिलीजन है, वो एक तरीके से क्या करता है, बैरियर की तरीके से काम करता है। बैरियर का मतलब होता है रोकने का काम करता है। तो जिसमें बहुत से फैमिली के मन में ये डर बैठा रहता है कि जो मैरिज है वो कहीं ना कहीं क्या ना वो कर ले, कॉन्फ्लिक्ट को ना लीड करे। तो आप अक्सर सोसाइटी में भी देखोगे कि अगर जहाँ पे दो डिफरेंट रिलीजियस के जो गर्ल्स और बॉयज जब मैरिज करने के डिसीजन लेते हैं तो फैमिली में अक्सर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। इसका कहीं ना कहीं रीजन होता है, फैमिली प्रेशर रहता है, सोसाइटी में प्रेशर रहता है कि किस तरीके से हम एक इंटर रिलीजियस मैरिज को कर सकते हैं। तो उसमें रीजन यही होता है कि जैसे कि जो लोगों के बिलीव्स होते हैं, आस्था होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, वो क्या होता है, टोटली अलग हो जाते हैं। आप एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि दो पर्सन है, एक एक्स पर्सन है और एक वाई पर्सन है। एक्स जो मेल है, मतलब मान लेते हैं एक्स क्या है हमारे पास, मेल है, और वाई क्या है, फीमेल है। और वाई जो है वो अदर रिलीजन से बिलोंग करती है और मेल अदर रिलीजन से बिलोंग करता है, और ये दोनों डिसाइड करते हैं कि हम क्या करते हैं, मैरिज करने के डिसीजन लेते हैं। तो इनकी फैमिली के बीच में और सोसाइटी क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन हमें देखने को मिलेगी। तो फैमिली को यही डर रहता है कि जो सिचुएशन है वो क्या हो, कॉन्फ्लिक्ट को लीड ना करे, और जब रिलीजियस प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। और क्या उनको, और इस बात की भी फेयर रहती है कि जो बच्चों की जो पालन पोषण को लेकर के भी क्या हो सकता है, विवाद हो सकता है। तो इस कंडीशंस को लेकर के क्या है, जो इंटर रिलीजियस मैरिज है आज के टाइम पे भी आपको क्या देखने को मिलेगा, कम देखने को मिलेगा सोसाइटी के अंदर में। अगला जो पॉइंट मैंने लिखा है, फैमिली एंड कम्युनिटी प्रेशर, यानी कि परिवार और जो समुदाय का दबाव रहता है उसके वजह से भी हमें सोसाइटी के अंदर में जो इंटर रिलीजियस मैरिज है वो आपको कम देखने को मिलेगा। जैसे फैमिली की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, यानी कि विवाह के निर्णय में जो परिवार की जो अपेक्षाएं होती है, फैमिली की जो एक्सपेक्टेशंस होती है, जो सोसाइटी की या कम्युनिटी की जो एक एक्सपेक्टेशंस होती है, उनके
डन को बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका उसमें भी निभाते हैं, यानी कि वो एक स्ट्रांगली अपने जो रोल प्ले करते हैं मैरिज डिसीजंस के लिए वो प्ले करते हैं। कम्युनिटीज की बात करते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डालती है किसकी, जो भी इंडिविजुअल्स हैं या मैरिड विद इन देयर जो रिलीजन है उसको मेंटेन कल्चर आइडेंटिटी के लिए, यानी कि जो समुदाय है अक्सर लोगों पर अपनी ही धर्म धर्म की सीमाओं के भीतर शादी करने के लिए क्या करते हैं, प्रेशर डालते हैं कि आप अपने ही रिलीजन के अंदर में क्या करो, मैरिज करो, ताकि जो सांस्कृतिक पहचान है उसको बनाए रखा जा सके। फिर देखिए, अगर हम बात करते हैं ग्रेजुअल चेंज, यानी कि धीरे धीरे आज के टाइम पे क्या आ रहा है, हमें बदलाव देखने को मिलता है। यानी कि अगर हम बात करते हैं सोसाइटी के अंदर, अगर एजुकेशन लेवल अच्छी है या फाइनेंशियल स्टैंडिंग अच्छी है, फैमिली अंडरस्टैंडिंग है, तो इस वजह से क्या है, इंटर रिलीजियस मैरिज भी क्या कर लिया जाता है, एक्सेप्ट कर लिया जाता है। देखिए, अगर हम अंतर धार्मिक विवाह की बात करते हैं, इंटर रिलीजियस मैरिज की बात करते हैं, अभी भी कम फ्रिक्वेंट है सोसाइटी के अंदर, सोसाइटी उसको जल्दी एक्सेप्ट नहीं करती है, बट धीरे धीरे उसमें क्या आ रहा है, चेंजेस आते जा रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछूंगा, आप अपने ओपिनियन से बताइएगा, क्या इंटर मैरिज सोसाइटी सॉरी जो इंटर मैरिज इंटर रिलीजियस मैरिज है, क्या कंट्री के लिए बेनिफिशियल होती है या नहीं होती है? आप इसके दोनों पॉइंट्स के बेसिस पे रख सकते हैं, पॉजिटिव बता सकते हैं, नेगेटिव बता सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और आंसर राइटिंग के रिगार्डिंग में अगर आपको कोई सजेशन देना आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स ओपन है, और वीडियो के रिगार्डिंग भी सभी सजेशन देना है तो आप वो भी दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, उसमें भी ऐसे ही डिस्कस करेंगे। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो आप अपना सपोर्ट उस वीडियो को जरूर दिखाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।